जिन्होंने चोरी नहीं की है वो जांच से कभी नहीं घबराते, पर यह बात अरविंद केजरीवाल जी पर तो लागू नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। इसीलिए पहले नोटिस पर जो ईडी का समन आया था उस पर बहाना बनाया कि मैं स्टार प्रचारक हूं, चुनाव में जाना है, चुनाव में तो नोटा से कम वोट ले आए। फिर उसके बाद दूसरी बार जब नोटिस गया तब उन्होंने कहा कि मैं विपासना करने जा रहा हूं इसलिए मैं उपलब्ध नहीं हूं। अब तीसरी बार भी समन गया है ईडी का। यदि शराब घोटाले में घूस नहीं खाई है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो जो पैमाने अन्ना हजारे जी के आंदोलन के समय सेट करते थे दूसरों के लिए कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, आज तो जांच में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। क्या इसके पीछे कारण ये है कि वो भी जानते हैं कि शराब घोटाला हुआ है, संजय सिंह को 2-2 महीने से बेल नहीं मिल रही, कोर्ट उनकी बेल को रिजेक्ट कर रहा है, मनीष सिसोदिया को 10 महीने से बेल नहीं मिल रही, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, कहा है प्रामा फेसाई पैसों का ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, और इसके अलावा विजय नायर भी जो है वो 1 साल से जेल के अंदर है, कोर्ट राहत नहीं दे रही। यहां तक कि कांग्रेस उनकी सहयोगी दल भी कहती है केजरीवाल भ्रष्ट है, शराब घोटाला हुआ है, हमने ही शिकायत दर्ज की है। आज केजरीवाल जी आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसा कौन सा सियासी धर्मांतरण किया है आपने, सियासी यूटर्न लिया है कि लालू जी के साथ पोनमुड़ी डीएमके के नेताओं के साथ बैठ जाते हैं और जांच में शामिल होने से कतराते हैं, और भ्रष्टाचार किया है तो उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं।